हाय गाइस, चलो देखते हैं। एक छोटा सा एक बैरियर है अभी, मुझे क्या करना है, जाकर मैं कोई भी काम करता हूँ तो माया गंदा एक बार न्यू कर दिया मैंने, ठीक है। डोंट सेव यहाँ पे स्पेस बार, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे ग्रेट ऑफ है ग्रेट ऑन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी मुझे चीज़ बनाना है, इसको बनाने का तरीके बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके हैं। जैसे फ्रंट में है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, व्यू पे गया, यहाँ पे इम्पोर्ट इमेज कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे देना तो मैंने ये क्या कर दिया, इसे मैंने ओपन कर दिया। यहाँ पे स्पेस बार मेक श्योर, जब भी हम लोग कोई भी मॉडल बनाते हैं किसको पकड़ के बनाने वाले हैं, जैसे ये देखो ये है ना, अभी इसको मैं इसको फॉलो करने वाला हूँ, तो मैंने ये फॉलो किया और मैंने ग्रेड के यहाँ पर रखा। फिर देखो इसमें कभी स्केचिंग आर्टिस्ट ना बहुत ही प्रॉपर स्केच नहीं करता। देखो ये अभी मेरे बेस पे है तो बेस पे नीचे रहना चाहिए, तो लोग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा राउंड बना देते हैं। होना क्या चाहिए, जैसे कप होता है, कप में इतना कर्व होता है लेकिन पर्सपेक्टिव पे दिखता है। अगर मैं टेबल पर रखूँगा तो फ्रंट से क्लिक करूँगा तो सीधे लाइन होगा, ठीक है। तो काम करते हैं इसको थोड़ा सा तरीके से, थोड़ा सा मैनेज करते हैं, थोड़ा सा मैं मॉडिफाई भी करूँगा। लेयर मैंने आपको बताया, इसको सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे यहाँ से लेयर क्लिक कर दो, ये लेयर पर आ जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। लॉक कर दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ पर मैंने क्या किया क्रिएट पे गए, यहाँ से एक नया ऑप्शन आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं सीवी कर्व टूल। सीवी कर्व टूल को समझो, सीवी कर्व टूल होता है क्या, 1 2 3 4 5 देखो यहाँ पे, देखें एंटर किया कर्व बन गया। वैसे देखो क्रिएट पे गए सीवी कर्व टूल, देखो सीवी कर्व टूल में 1 है लीनियर, 1 2 3 4 ये पॉइंटेड बनाना है तो आप 1 पे जाओगे, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर मैं फिर से कहता हूँ क्रिएट पे गए, यहाँ पे गए सीवी कर्व टूल पे गए, यहाँ पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर 2 करता हूँ तो 2 का मतलब 1 2 2 तक पॉइंटेड होगा, तीसरे पे स्मूथ हो जाएगा। सेम चीज़ जी प्रेस करते हैं, रिपीट कमांड 1 2 3 पे करूँगा तो ये 3 पे ही स्मूथ हो जाएगा। आपका तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, अगर आपको पॉइंटेड बनाना है तो 1 पे करोगे, मुझे बनाना है स्मूथ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे ठीक है 3 पे मैं कर लूँगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया 1, यहाँ पे देखो सेफ क्लिक करके स्ट्रेट लाइन लेके चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी ये पार्ट में यहाँ पे दे रहा हूँ, देन मैं यहाँ से थोड़ा सा मैंने यहाँ देखो राउंड के पास ना जितने 2-3 पॉइंट्स देना है, क्या देखो सेफ क्लिक किया यहाँ पे, अभी सीधी लाइन है ये, मुझे थोड़ा पीछे लेना तो बैक स्पेस कर सकता हूँ। क्लिक किया मैंने यहाँ पे, हल्का सा अंदर लिया मैंने, ठीक है। फिर मैं इसे स्ट्रेट लाइन लेता हूँ, स्विफ्ट स्विफ्ट स्विफ्ट, थोड़ा सा मैंने बाहर ले रहा हूँ इसे, फिर मैं क्या करता हूँ स्विफ्ट 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 प्रेस करके स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। अब मैंने थोड़ा सा क्या किया स्विफ्ट स्विफ्ट स्विफ्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पे इनको मैं थोड़ा सा इधर से ऐसे 3 पॉइंट लेना है, जितने भी कर्व देखे मुझे यहाँ पे, देखो बैक स्पेस किया स्ट्रेट मुझे नीचे लाइन के साथ मुझे चाहिए, तो मैं ऐसे करके भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे अगर थोड़ा सा अंदर की तरफ ले जाना तो मैंने हल्का सा अंदर किया, देन ये पॉइंट को मैंने यहाँ से यहाँ तक आ दिया। देखो ये पार्ट देखें मुझे यहाँ पे, चीज़ों को मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, देन आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर दो। आप यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट है तो कॉर्नर पॉइंट के साथ हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ तक नहीं करेंगे, मुझे नीचे तक लेके आना है, या तो मैं इसको यहाँ तक सेफ प्रेस करके यहाँ 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 तक मैं कवर अप कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी रेफरेंस को ऑफ कर दो। देखो आपने यहाँ पे क्या किया, ये बेसिक शेप हमने बनाया है, ये बनाया हमने किससे बनाया, हमने नर्व से कर्व से, ठीक है। अभी इसको अगर मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ पे मैं सरफेस पे किया, सरफेस पे जाकर मैंने रिवॉल्व कर दिया, तो आपका ये मॉडल एक 2D का 3D मॉडल बन जाएगा। फिर से देखो सेलेक्ट एंड डिलीट, ये कर्व है, सरफेस पे गए और मैंने यहाँ पे क्या रिवॉल्व कर दिया, तो रिवॉल्व में ये ऐसी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे। ये सरफेस में आपका ब्लैक आ रहा है तो सरफेस में गए और रिवर्स कर दिया, तो देखो आपको ये जितने भी 360 ऑब्जेक्ट हैं वो सारे 360 ऑब्जेक्ट आपके ऐसे बन जाएंगे। देखो यहाँ पे 2 हैं, एक आपका सरफेस एच फॉर हाइट कर दो, दूसरा आपका कर्व, राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स, कंट्रोल शिफ्ट ऑन एच, ये देखो ये देखना है ये पार्ट मैंने इधर से इधर ब्लैक आ जाए तो आपको इसके थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। आप ब्लैक ऐसे ज़्यादा हो जाएगा तो आएगा, आपको पीछे करोगे तो ठीक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे भी नीचे ब्लैक आ रहा है, तो ब्लैक के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, जैसे देखो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मुझे मॉडल सेलेक्ट नहीं करना तो इसे मैं ऑफ कर दूंगा, अभी मेरा सिर्फ कर्व ही सिलेक्ट होगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड पे गए, ऑब्जेक्ट से ऑन कर देना। अभी एक ऑप्शन और भी दिख रहा है, फ्रंट में गए यहाँ से मैंने देखा, अब मैंने जो बताया कि भाई मुझे यहाँ पे चीज़ों को चाहिए, तो क्रिएट में गए और मैंने क्रिएट में जाकर मैंने यहाँ पे क्या सीवी का फिर से लिया, 4 प्रेस करता हूँ यहाँ पे, देखो दिख रहा है ये 1 2 3 जितने कर्व हो कर्व पास 3 पॉइंट देना,
फिर स्टेट पॉइंट कर देना आप यहाँ पे, 1, 2 एंड 3 एंड स्टेट पॉइंट देना, ठीक है। अब ये जो स्टेट पॉइंट आपने दिया आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। ये सीवी का टूल्स आपने सेव बना दिया, 4 एंड 5 रेफरेंस को कर दो ऑफ, ये 2D है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग एक क्रिएट पे गए, नॉस पे गए एंड सर्कल लिया पे, सर्कल बीच में आता तो देखिएगा नहीं, देखना अभी अभी सर्कल को छोटा कर दो, आर फाइव स्केल, इसको सेलेक्ट कर दिया, इसको सेलेक्ट कर दिया, सरफेस पे गए, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक्सट्रूड कर दिया। एक्सट्रूड में ऑप्शन आता है, ऑप्शन बॉक्स में जाना है, ऐड पार्ट कंपोनेंट एंड अप्लाई, ये आपका पार्ट आपको यहाँ पे आ गया। सरफेस को अभी देखो, सरफेस आपका फिर से बुला गया, आपने यहाँ पे रिवर्स कर दिया। दूसरा इसको पतला करना, आप यहाँ से पकड़ो पतला करो, जैसे फ्रंट में गए, रेफरेंस ऑन कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो 4 कर दिया। अभी मुझे यहाँ पे पतला मोटा करना है, मोटा पतला कर सकता हूँ, तो यहाँ से मैं देख के मैनेज करके मैं मैनेज कर लूँगा, तो वैसे पार्ट ये आपका हो जाएगा, ठीक है। 4 एंड 5 ये आपका ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखो यही चीज़ मेरे पास यहाँ पे क्या किया, मैंने एक सेव बनाया, सेव कैसे बनाते हैं, H4 हाइट कर दिया मैंने, देखो ये कंट्रोल डी कर दिया, ये मैं सेव, यहाँ पे सेव बनाना आ गया। अब यहाँ पे क्या किया, ये मैंने सर्कल लिया, सर्कल लेना आ गया, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इसको इसको सिर्फ प्रेस करो, इसको दोनों को सिलेक्ट करो, यहाँ पे क्या करते हैं, सरफेस पे गए, यहाँ पे कर दिया मैंने एक्सट्रूड, एक्सट्रूड में बस बाई डिफॉल्ट रीसेट कर दिया मैंने, ऐड पार्ट एंड कंपोनेंट देन अप्लाई, तो ये ऑटोमेटिक 2D शेप को 3D बना देगा। बेसिक शेप ऐसा है, ये जो बीच का जो गोलाई है, ये गोलाई इस सर्कल से आ गया है, और इसको मैंने यहाँ पर रिवर्स कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे करके मैनेज कर दूंगा और चीज़ों को फुलफिल कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। ये देखो यहाँ पर मैंने किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट कर दिया, और ये इसके साथ कनेक्टेड है, जैसे मैंने एक्सट्रूड किया, देखो अभी कैसा आ रहा है, अब मैंने कुछ और किया तो मैं कुछ और देखो, यहाँ पर 1 पहले से सेलेक्ट करो, फिर से सेलेक्ट करो, सरफेस पे गए, एक्सट्रूड कर दिया, अभी सही आ रहा है। ये इन दोनों के साथ कनेक्टेड है, देखो ये सरफेस के अंदर फीचर है, जो हम लोग मॉडलिंग करते हैं, मॉडलिंग में सरफेस है नर्व्स, ठीक है, इसके अंदर फीचर है कि आप इसे कनेक्ट कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। तो 4 एंड 5 आपने कर दिया, यहाँ देखो आप इसको सेलेक्ट कर दिया, सरफेस पे गए एंड रिवर्स डायरेक्शन, अभी मेरा ये मॉडल बन गया। एडिट में गए एंड डिलीट हिस्ट्री कर देना, डिलीट हिस्ट्री करोगे तभी काम होगा, नहीं तो अगर आपने डिलीट हिस्ट्री नहीं किया, आपने इसे मूव कर दिया तो आपका मॉडल ख़राब हो जाएगा, इसे मूव करो तो आपका मॉडल ख़राब हो जाएगा, तो पहले डिलीट हिस्ट्री कर देना, उसके बाद आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, आपका मॉडल ठीक हो जाएगा, ठीक है। ऑर्नल में गए, लाइट लगा देना, अभी आपको चीज़ें याद हो ही जाएंगी यहाँ पे, आप रेंडर करना चाहो रेंडर कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। इसमें आपको लगता है कि कोई मुझे मॉडल अगर दोनों को मुझे अरेंज करके देना है, तो मैंने यहाँ पे क्या राइट क्लिक करना, साइन न्यू मटेरियल आर्नोल्ड AI स्टैंडर्ड सरफेस, ठीक है। अब इन चीज़ों को देखो यहाँ पे, आप चाहो तो इनमें कुछ कलर भी दे सकते हो, कलर देना आप, तो आपको जो भी कलर देना, आप कलर वाइज चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, जैसे आपने किया राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है। जैसे आपको जो कलर हो, अभी से मैं कलर मेरे पास पिक करना है, तो पिक कैसे कर सकता हूँ, रेफरेंस से लिया मैंने, ठीक है, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, मटेरियल एट्रीब्यूट में जाना, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे, कलर पे गए, कलर पे जाकर आपने इसे पिक कर दिया, देखो यहाँ से पिक करो, आप यहाँ से पिक कर दोगे तो कलर आपको यहाँ पर आएगा, नॉट एग्जैक्ट क्योंकि लाइटिंग के साथ भी है, तो यहाँ पर अलग अलग मुझे कलर देने पड़ेंगे यहाँ पर, अलग अलग कलर देने के लिए उसका प्रोसेस भी आपको आराम से डिस्कस करूँगा, ठीक है। यहाँ पर जस्ट मैंने बेसिक का पैटर्न दिया, आप मुझे ऐसा कुछ काम करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये हमारा नॉर्स मॉडल था, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, नॉर्स मॉडल क्या होता है, आप चीज़ों को ऐसे मैनेज करोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो आप यहाँ पर चीज़ों को एक बार रेंडर करके देखो, रेंडर किया तो रेंडर्स में चीज़ों को फुलफिल करके दे सकता हूँ, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, मटेरियल एट्रीब्यूट आएगा तो यहाँ पर आपका कलर आएगा, कलर पे जाके आपको यहाँ पे कोई भी कलर पिक करना है, देखना पे कलर भी पिकर देखना, पिकर देखो यहाँ पे मैंने ये कलर किया, यहाँ पे ये कलर किया, मैंने ऐसे कलर कर दिया, तो ये कलर मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जैसा आप कलर करोगे वैसा आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पर, हाँ पिकर पे क्लिक करके आप चीज़ों को ऐसे मैनेज करके दे सकते हैं, ठीक है।